हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली मोटोरोला अपने नए फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन मोटो एच 40 को कुछ ही दिनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। फाइनली इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट मोटो इंडिया ने कंफर्म कर दिया है। क्या कुछ आपको इंडिया वाले वेरिएंट में एक्जैक्टली में स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, इंडिया में आपको क्या प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है, आज की स्टूडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटो एच 40 स्मार्टफोन की ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 23 मई को ये ऑफिशियल इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च करा जाएगा। फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी ये स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज आ चुका है। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से आपको मोटो एच 40 5G स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरियंट के कम्प्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे टिपिकल मोटोरोला की जो एच सीरीज में आपको डिजाइन मिलता है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त रहेगा, काफी स्लिम स्मार्टफोन यहाँ पर ये होने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात जो कि स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको 6.55 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक पीओलेड डिस्प्ले मिलेगा। कर्व डिस्प्ले यहां पर ये होने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, 8 256 GB वाला वेरिएंट ऑफिशियली कंपनी ने टीज कर दिया है। शायद आपको 8 128 वाला वेरिएंट भी आगे चल के देखने को मिल सकता है। डुअल सिम का सपोर्ट रहेगा, एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में यूएफएस 3.1 का स्टोरेज टाइप, एनएलपी DDR4X वाला रैम टाइप यहां पर आपको दिया जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पहली बार ये चिपसेट आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 वाला 5G चिपसेट, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, देन 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस यहां पर आपको दिया जाएगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर मिल जाते इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर। सैडली 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट यहां पर दिया गया है। दो तगड़े वाले फीचर आपको ये स्मार्टफोन पे ये भी मिलते हैं। जो पहला फीचर है कि यहां पर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब पानी में स्मार्टफोन गिर जाता है, स्विमिंग पूल में, कहीं पे भी, तो वहां पर खराब नहीं होने वाला है, प्रोटेक्शन यहां पर आपको दी गई है। दूसरा कि यहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, 15 वाट तक के या मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ के अगर बात करें तो यहां पर आपको 4400mAh की बैटरी मिल जाती है, क्योंकि स्लिम स्मार्टफोन है तो इसलिए बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी कम मिलती है। साथ ही में 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करता है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको मोटो इंडिया जो 68 वॉट का फास्ट चार्जर यहां पर प्रोवाइड कराने वाला है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले अपकमिंग मोटो एच 40 5G स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर आपको ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है जो इसका बेस रेंट है इंडिया में 30 से 35,000 रुपीज के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। ऑफर वगैरह लगा के भी आपको थोड़ा चीप में मिलेगा, मतलब फिर भी आप पकड़ के चलो 35 तक के आसपास मिल सकता है। ऑफर वगैरह लगा के अराउंड 30,000 रुपीज तक के भी आता है, तो काफी सॉलिड स्मार्टफोन यहाँ पर ये होने वाला है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मोटो एच 40 स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको कैसे लगे, आपके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप तुम सबको पसंद आई होगी, एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।